के बाद मैं आता था छुप के अपनी साइकिल निकालता था क्योंकि पैसे होते नहीं थे घर के बाद पैसे होते थे लेकिन मुझे नहीं मिले थे उनसे पैसे वो पैसे मैं फिर साइकिल से आता था एक फैक्ट्री के अंदर

फ़ील्ड का हिस्सा थे बट एज एन एड डायरेक्टर फॉर सेवन ईयर्स साकिब मलिक मॉडलिंग से उन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट खेल रहे थे जब दोस्त ने आके बोला मॉडलिंग करोगे तो ये कहानी भी आज हम उनसे सुनेंगे इंटरव्यूज़ और ऑडिशन उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं uh, और इसको कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं <laughs> तो पता चलेगा एंड पे कि कितना मुश्किल था ये इंटरव्यू उनके लिए मेरे साथ हैं आज रायद मोहम्मद uh, और uh, काफ़ी अर्से से मैं उनका काम देख रही हूँ बहुत अर्से से मैं उनसे इंटरव्यू करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ गुफ्तु करते हैं राइट के साथ असल कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा एक क्यासे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना आपको मैं राइट के बारे में जी जी रुपोश <laughs> फिल्म का हुआ उसकी एक उसकी प्रमोशन उसकी सेलिब्रेशन हुई हाँ। तो मैंने राइट को देखा मैं ओ ये रुपोश में मुझे राइट का काम बहुत अच्छा लगा था आई रियली अप्रिशिएटेड यू नो एवरी टाइम ही वुड कम ऑन द स्क्रीन मुझे लगता था कि आपके एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त होते थे कि आई कुड फील द कैरेक्टर उसका गुस्सा उसकी यू नो जो उसकी एरोगेंस थी

उस वक्त आई मैं किस जोन में था नहीं नहीं उस बहुत बहुत रश मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी इट वाज देयर वर लॉट ऑफ पीपल और आई को सब लोग यहां तस्वीर लें ये लें हाँ। और वहां पे पीआर का भी बहुत काम हो रहा था हुँ, हुँ, और एक नहीं हर तरफ से सो आई डू नॉट ब्लेम हिम एंड मैं बीच में से मैं यू नो आई वाज ट्राइंग टू गेट इज अटेंशन क्योंकि लोग आ रहे थे जा रहे थे तो मैंने कहा ये भी आके निकल गए तो आई वुड नॉट बी एबल टू टेल हिम कि हाउ मच आई अप्रिशिएटेड हिज वर्क मूवी में thank तो इस so इसलिए वो था thank लेकिन आई आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने एटीट्यूड दिखाया था ही वाज जस्ट लाइक कि ओके okay, मैं तस्वीर पहले खिंचवा लूं या मैं इनको तो इट वाज नाइस नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहां पर बुलाया अपने hmm. शो पे और आई एम ग्लैड कि मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू भी दे क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं, गपशप लगाऊं, अपने बारे में बताऊं, आप लोग से क्रॉस क्वेश्चंस करूं या आप मुझसे क्रॉस क्रॉस क्वेश्चंस करें अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारी इंडस्ट्री के आ, जो जानना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होता एक्टर के बारे में मालूम के लिए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो बातें तो बहुत सारी मिलती हैं चीज़ें बहुत सारी होती हैं कुछ पर्दे के पीछे जानबूछी की जाती हैं कुछ आप

तो स्कूल में कोई जब पाकिस्तान आ गए तो, तो मजाक वजाक तो नहीं उड़ता था नहीं।, को नाम को चेंज तो नहीं कर देते थे चेंज तो कर पा रहे थे बहुत सारे ऐसे भी लोग है जो फैंस मिलते हैं पहचानते हैं काम देखा हुआ है नाम से जानते हैं लेकिन वो बोलते हैं आपका नाम बहुत हम स्पेल ही नहीं कर पा रहे होते कितने कितने टाइम तक हम सिर्फ सर्च कर रहे के क्या स्पेल क्या ट्रू, तो 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 सोचा नहीं नाम चेंज कर लूं लो। बहुत से लोग नाम चेंज कर लेते हैं कबीर सिंह था <laughs> 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 वो दिल से निकली है ये फरहान अख्तर के फरहान अख्तर किसी कैरेक्टर तो मैं चाहूंगा करता हूं। तो वो है आपकी। और चूज आप कर रहे हैं शाहिद कपूर का <laughs> थोड़ा अगर देखा जाए ना दोनों बहुत सिमिलर है अच्छा दोनों की एक्टिंग में बस मुझे जो फर्क लगता है कि शाहिद कपूर

सो so, अभी तक नहीं देखी देखूंगी सो hmm. so, लेकिन कबीर सिंह या शायद कपूर लगता है राइट आपका मैं देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा सोपर बड़ा संभला हुआ <laughs> मैंने क्योंकि मैंने इवेंट में भी देखा है ना तो बड़े अपने आप को ना आप उससे कैरी कर रहे होते हैं ना तो ये बड़ा डिफरेंट राइट नहीं है फ्रॉम द राइट जो अपने दोस्त को उसकी शिकायतें लगा के

और बहुत सारे लोग बहुत बुरा मान भी चुके हैं okay. तो मैंने कहा यार ये बेहतर यही है कि आप हर किसी के साथ ना करें और हमारी इंडस्ट्री में खास तौर पर कुछ भी हो सकता है तो सब मतलब हुआ है कुछ ऐसे वाक्य जिसके बाद आपने सोचा है जैसे जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था कमर्शल डायरेक्शन मैंने अपनी स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऐड आया था जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिलना था तो मैं वो उस ऐड के लिए बस दिन रात काम कर रहा होता था तो यहाँ सीन करता था यहाँ सीन करके अपना लैपटॉप खोला फ़ोन किया आर्ट डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से सबसे लगा हुआ हूँ लोकेशन से हर चीज़ क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा करना था शो तो है ना उस दौरान उस दस दिन सेट पे किसी से बात नहीं की आता था सीन करता सीन करने का तो मैं काम कर रहा होता था फिर उसके बाद मुझे जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर मुझे सुनने में आया कि कुछ हमारे सीनीर्स एक्टर से उन्होंने मुझे तीन चार जगह से मना कर दिया नहीं नहीं आप राय को कास्टिंग अगर राय को कास्ट करें तो मुझे कहा नहीं कास्ट करें oh. तो मुझे पता ही नहीं चले कि यार hmm. ये क्यों हो रहा है मेरे साथ hmm. इस तरह क्या हो रहा है बाद में हुआ चला यार राय तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है यार oh. तुम ना बहुत बदतमीज़ से हो तुम किसी से बात नहीं करते हो अभी से तुम्हारे अंदर स्टारडम आ गया है एक्चुअल में हम ये कहना बहुत आसान होता है कि आपके अंदर स्ट्रडम आ गया है आप बहुत बड़े हो गए हो बिहाइंड द सीन किसी को पता नहीं होता True. चलो मैं तो काम कर रहा था ना तो वो उनको नहीं पता था कि मैं क्या hmm. कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ मेरा बैकग्राउंड hmm. क्या है मैं कहाँ से उठ के आया हूँ hmm. तो क्योंकि बचपन से जब आँख खोली तो मैं इसी फील्ड के अंदर था ना okay. hmm. तो साके मलिक मुझे यहाँ लेकर आ गए थे इस फील्ड के अंदर और मैंने बहुत नीचे से उन्होंने मुझे स्टार्ट किया ये भी जी. नहीं कि उन्होंने कहा कि आप सेकेंड एडी, है, थर्ड एडी हैं थर्ड ए हैं उन्होंने मुझे कोई डेजिनेशन नहीं दी थी मेरा सिर्फ काम होता था उनका कॉफ़ी का कप पकड़ना न्यूज़पेपर पेपर पकड़ना स्टोरी बोर्ड पकड़ना और टैलेंट को बुला के ले आना okay. मेरा ये काम था okay. और ऐसा नहीं था कि मैं किसी आ, फैमिली से मेरे बिलोंग नहीं करता था अच्छी फैमिली से मेरे अबू जो है सऊदी की नेशनल आर्मी में थे और सब कुछ अच्छा था सब कुछ हर चीज़ अच्छी थी लेकिन ब ने मैं ब इज़ अ बेस्ट टीचर ऐसा टीचर ऐसा स्कूल के मैं कहूँगा कि हम ब को पढ़ाना चाहिए यहाँ की जनरेशन को और क्योंकि उसको पता है कि तरबियत कैसे करनी है ओके। तो, तो उन्होंने आपको सिखा भी सिखाया और तरबियत भी की।, की साथ साथ में ब ने तो उसके बाद आपको नहीं पता होता कि बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता चीज़ें कि हो सकता है मैं तो चलो काम कर रहा हूँ दूसरे लोग किसी दूसरी टेंशन में हो, जो बात नहीं कर रहे हों किसी और ड्रामा से गुजर रहे हों किसी और तो से हो। भी होती, होती हैं है। तो मैं कहता हूँ इतनी जल्दी इंसान को जज मत करो यार True. अगर वो ही कहते हैं ना कि आ, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर किसी को जज करना है तो उसके साथ खाना खा के देखो सही उसका ट्रैवलिंग करके देखो उसके साथ पैसा खर्च करके देखो तो पता चलता है कि इंसान क्या है तो ऐसे में कहता हूँ जज ना करो यार किसी करियर है करियर की वाट ना लगाओ तो अच्छा आपके फादर सऊदिया में सऊदिया में रहते थे हाँ पैदा हुए आप तो पाकिस्तान कब आए मैं पाकिस्तान में आया फोर्थ क्लास में आया फिर मैंने एक दो साल यहाँ पर क्लासेस की फिर उसका दुबार चला गया फिर मैं सेवन क्लास के बाद यहाँ आया था फिर उसके बाद से यहीं फिर, फिर सेटल पर थे। है। पूरी फैमिली या सिर्फ आप नहीं सिर्फ मैं क्यों क्योंकि जब यहाँ पर काम हायर स्टडीज के लिए मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था भाइयों ने भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की स्टडी कंप्लीट करने के बाद बड़ा भाई वापस सऊदी चला गया उसकी वहाँ जॉब लग गई और मेरी फैमिली में यहाँ कोई है नहीं कोई कज़न कोई रिश्तेदार कोई कुछ कोई भी यहाँ पर नहीं है तो लेकिन जब मैं काम कर रहा था चीज़ें कर रहा था पढ़ रहा था तो उसके बाद आ, मुझे शौक था क्योंकि मेरे अबू ने एट क्लास के बाद से आ, जब वो आर्ट्स एट में थे तो उसके बाद उन्होंने खुद कमाया है okay. अपना सारा खर्चा खुद उठाया है okay. सब कुछ खुद किया है wow, तो मैंने कहा था यार मैं भी ऐसे ही करूँगा तो अच्छा। एट के बाद मैंने कहा था यार आ, बाबा मैं जो है ना वो आपसे अब कभी पैसे वैसे नहीं लूँगा अम्मी और अबू से दोनों से Okay. तो मैंने नाइन क्लास से खुद ही किया सब कुछ. क्या करते थे आप नाइन्थ क्लास में आ, नाइन क्लास में सबसे पहले मैं स्कूल जाता था स्कूल के बाद मैं आता था छुप के अपनी साइकिल निकालता था हुँ. क्योंकि पैसे होते नहीं थे घर के बाद पैसे होते थे लेकिन मुझे नहीं ले थे उनसे पैसे वो पैसे मैं फिर साइकिल से आता था एक फैक्ट्री के अंदर वहाँ मैं जो डबल के ऊपर रबड़ चलती है, रबर बैन होता है उसकी फैक्ट्री में काम करता oh था ख्याल <laughs> <laughs> कर I'm right? <laughs> कैसे आया कि आप खुद ये करें और ये और जब एक कंफर्ट आपके पास है आप उसको छोड़ के ये चूज कर रहे हैं रास्ता मेहनत का खुद अपने पाँव पे खड़े होने का बिकॉज वो भी एक जर्नी है ये ये सोच ये क्या मोटिवेशन थी देखिए मुझे इस वजह से ये सब कुछ करना था क्योंकि मैंने अक्सर लोग देखे हैं जितने बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में जो बहुत अमीर हुए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं hmm. और जब मैंने अपनी स्टडी की तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो इसी वजह से कामयाब हैं और आगे इतनी तरक्की की है कि उनको जीरो से हंड्रेड तक का सफ़र पता है okay. उनको पता है कि अगर एक उनका एम्प्लॉय है जो सिर्फ आपको चाय पिलाता है तो उसकी सोच क्या है और उससे काम कैसे लेना है क्योंकि वो खुद भी वो कर चुका है hmm. उसकी वो सोच खुद भी आई होगी कभी yeah. उसको पता है कि उसके सारे स्टेप टू स्टेप जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं जितने भी काम कर रहे हैं या सामने वाला लोग जो भी है आपसे मिल रहे हैं दस हज़ार किस्म के लोग मिल रहे होते हैं तो आपकी आपको ऑब्जर्व करने की उनकी थिंकिंग को रीड करने की सलाहियत आपकी बहुत तेज़ हो जाती है okay. तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला बंदा आपके साथ जो बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है और वो किस लिए बोल रहा है ठीक है तो ये सब चीजें मेरे बचपन में ही मेरी सेंस जो था वो मेरा डेवलप्ड हो चुका था मैंने कहा मैं खुद करूंगा है। काम किया बहुत बुरे लोग मिले बहुत अच्छे लोग मिले और मुझे सिर्फ आठ सौ रुपये महीना मिलता मिलता हाँ ठीक है पाँच बजे आने के बाद पाँच छह तीन चार घंटे की जॉब होती थी आता था घर में शावर और लेता था और उसके बाद चला था ट्यूशन पढ़ाने के लिए ओ, उसके अंदर हाथ हाथ नहीं गंदे होते हैं न उसके अंदर ऐसा होता था कि एक टप होता है उसके अंदर आपके ट्यूब्स रखी हुई होती हैं आपने ट्यूब्स निकाली और मशीन हाँ एक से खतरनाक होती है इतनी बड़ी आपकी मशीन होती है जो कि यूं क्रॉस चल रही होती है और इतने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए हैं आपका ध्यान हल्का सा यू हुआ आप क्यों हाथ का हाथ आ सकता है oh तो आपको तीन चार घंटे बिल्कुल फोकस होके वहां पर लगाने होते थे wow. तो फिर उसके बाद आता था फिर ट्यूशन पढ़ाने चला आता था दो ट्यूशन पढ़ाता था कि उसका टाइम नहीं होता था फिर साढ़े सात आठ बजे आने के बाद शावर ऑवर लेके फिर खुद पढ़ता था बैठ के तो दस बजे तक अपनी पढ़ाई करता था फंडर शुरू से था बहुत सारा फंडर था अम्मी यहाँ सोती थी पीछे घर से निकल जाता था दोस्तों के <laughs> साथ खेलने के लिए रात में एक घंटा दो घंटा क्रिकेट मैच खेला अच्छा न, हाँ फिर आ गया वापस क्रिकेट का शौक बहुत ज्यादा था बचपन से कुछ ना कुछ करके क्रिकेट लाजमी खेलता था वो स्ट्रीट पे गली हाँ, स्ट्रीट पे गलियों में बॉलिंग करते हैं बैटिंग ऑलराउंडर ऑलराउंडर था बैट्समैन बहुत अच्छा था फिर उसके बाद थोड़ा जब बड़ा हुआ यानी एक साल डेढ़ साल निकाला तो वो जॉब छोड़ दी मुझे पता था इसके अंदर कोई करियर तो है नहीं लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि कहीं ना कहीं से अर्न करना था स्टार्ट था। ले स्टार्ट लेना था फिर उसके बाद ट्यूशन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया फिर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलने लगा क्रिकेट के अंदर आ फिर इनफैक्ट सुबह शाम रात क्रिकेट या पढ़ाई

तुम्हें तब कंप्लीटली आप अपने आप को खुद कमा के अपने आप को हां 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 एक्चुअली ये एक क्रिकेटर बनना था oh. तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेटर बनूँ क्यों वो वो तो थी कोई करियर नहीं है और यहाँ सोर्स नहीं है हमारे पास लोग कहते थे कि सोर्स होनी चाहिए तो मैंने कहा जैसा आप कहें और वजह भी आ, इस इंडस्ट्री में आने की मेरी क्रिकेट ही बनी है यस क्योंकि मैं एक शाम का एक मैच था मैं फुटपाल पे बैठ के अपनी बैटिंग का वेट कर रहा था ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर गुजरा वो रुका वो रुक के मेरे पास आया उसने कहा यार के आ, एक्टिंग मॉडलिंग अच्छा, दोस्त, दोस्त नहीं था अच्छा, मैं कहानी में दोस्त का पता चला हाँ, दोस्त नहीं था अच्छा लेकिन वो बाद में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था सलाम दो अच्छी हुए थे उन्होंने किस्मत मैंने कहा यार क्या बोलो मैं कहाँ से मैं करूँगा नहीं 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 बस तुम रेडियो जाओ रेडियो जाओ तुम्हें तो सुबह चलना है मेरे साथ मैंने कहा क्या बाकी में मैं घर गया बाबा स्टार हीरो <laughs> मैं यो मैं स्टार बन गया तो सब खुश तो वो सुबह सुबह आ गया मेरे घर पे दस बजे अच्छा बोला कोट ले लो

मैं बैठा हूँ एक स्कूल के अंदर रश ही रश लोग ही लोग सही है सुबह दस बजे से या ग्यारह बजे से मैं वहाँ पहुँचा हूँ ग्यारह बजे से बैठ के रात के आठ बज गए एक ही कोने में बैठा हुआ हूँ <laughs> कोई पूछ ही नहीं रहा आना भी नहीं कुछ नहीं कुछ, कुछ पूछी नहीं okay कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई okay कुछ पूछ ही, वे, ही वे, नहीं रहा वो के बैठे मैं सब इधर उधर इधर उधर फिर उसके बाद वो आया उसने कहा क्या वो सीन हो गया मैंने कहा पता ही नहीं क्या करना है मैं तो यहाँ बैठा हूँ अभी यार तू भी यार कैसा है जो होते हैं कोऑर्डिनेटर अगर चलो और डायरेक्टर से जाता है डायरेक्टर्स के पास गया वो अपना सीन ले जाता था लाइट उसकी जा टाइम उसका आउट हो रहा था इधर उधर तो उसने कहा यार ये एक लड़का है इसको एक्टिंग करवानी है तो उसमें मेरी तरफ़ देखता है उसे मेरी एक बड़ी प्यारी सी गाली दी बड़ी प्यारी सी गाली दी और वो भी शक्ल देख रहा रहे हो क्या रहा है मेरे साथ और उसने कहा जा यार किसको हर किसी को उठा के लेकर आ जाता है oh. बस वो वहां से मैं चला गया वापस। oh, okay. और उसके बाद दो तीन साल तक तो खामोश बैठे रहे। अच्छा, से से आपको मिल गया था। नहीं, कुछ, हुआ। वहां से भी कुछ भी नहीं मिला था दो तीन साल, साल, साल के बाद वो लड़का दोबारा मेरे घर पर आया कहा यार मुझे मिलवाना है मैंने कहा यार बड़ी बेजती करता है <laughs> बड़ी बेइज्जती करता है उसी डायरेक्टर से हाँ, मिलवा रहे थे मैं कहा, मैं, मैंने मैं कोऑर्डिनेटर बेसिकली वो कॉर्डिनेटर बेसिक, बेसिक था, था वो डायरेक्टर बना हुआ था ऐसे ही तो मैंने कहा यार मैं नहीं मिलूंगा उससे यार वो बदतमीजी करता है यार वो मुझे नहीं मिलना मिलना उससे उसका नहीं यार एक काम करो तुम ना नहा धो के ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो जैसे तैयार व्यार होता है मैंने कहा अच्छा यार फिर अगले दिन फिर तैयार होके उसके घर चला गया बैठा उसके घर पे आके तो ऐसे ही आया यूं करके बैठ गया यूँ करके मुझे देख रहा है बोले आज कुछ साफ सुथरे लग रहे हो मुझे ये दो अच्छा वो दूस, दूसरी बेज़ती चलो भाई अच्छा अब क्या करें आ, कल आ, मैं तुम्हें काम देना स्टार्ट करूँगा सही है तुम्हें और ये जूनियर कास्ट की तुम्हारी होगी और तुम्हें जूनियर कास्ट का मैं तुम्हें काम दूंगा तो मैंने कहा ये जूनियर कास्ट का क्या होती है मुझे पता ही नहीं था कुछ कुछ भी नहीं पता था उसे कहा यार वो जो पीछे घूम घूम रहे होते हैं वो वाला दूंगा सही है ना और पैसे वैसे ही नहीं दूँगा मैं कह नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए तो उसने कहा okay, हाँ लेकिन okay. पैसे लूँगा ज़रूर तुमसे मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप हाँ. मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं मैंने कहा यार इनको बताओ मेरे पैसे वैसे नहीं है मैं नहीं दे हाँ. सकता पैसे वैसे हालत खराब हाँ अब हाँ. बोले यार किस किस को उठा के लिया था यार अच्छा कल आ जाना सुबह छः बजे अब सुबह साढ़े पाँच बजे मैं उसके घर के बाहर खड़ा हुआ okay. सही है और उसकी गली में इतने कुत्ते थे <laughs> इतने कुत्ते थे <laughs> मेरी मैं, मैं हालत टाइट लेकिन कैसे ना कैसे करके उस घर के बाद खड़ा हो गया अब छः आधा घंटा खड़े होने के बाद छः साढ़े छः बजे जो है ना दूसरे लड़के आना शुरू हो गया एक्स्ट्रास आना शुरू हो गए अब वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखें अच्छा ये बात मुझे उस वक्त वक समझ में कभी भी नहीं आई लेकिन जब मैंने फ़ैशन मूवी देखी जब मैंने ये सब मूवीज़ आई उसके बाद में ये समझ में आया कि वो मुझे सारा देख क्यों लेते वो बोलते ले यार साला एक और कहाँ से ये टपक पड़ा यार हमारा चांस लग नहीं रहा एक और लड़का इन हो गया बोले भाई कौन हो तुम फुल भरमबाजी से सीनियर्स हुँ। करते हैं ना रैकी कर रहे होते हैं आपकी वैसी उसने मेरी रैकी की उन लोगों ने बहुत टाइट इधर उधर ये वो खत्ते में वो साढ़े सात आठ बजे वो जनाब बाहर आ गए सुकून से एक गाड़ी में बैठे चले गए अब जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे मैं कह रहा हूँ यार ये कहाँ लेके जा रहा है <laughs> उस वक्त एक कॉलेज हुआ वो साइड एरिया में कॉलेज होता था अब्दुल्ला कॉलेज मुझे वो पता था कि वो <laughs> कॉलेज है क्योंकि वहाँ पर मैट्रिक के सारे आ, पेपर्स जमा होते, होते थे, थे एडमिशन फॉर्म okay. और ये सब चीज़ें वो भी क्रॉस कर लिया और आगे जाए जा रहे जाए रहे बेसिकली वो पैपसी के जो गुडाउन था वहाँ पर एक स्टूडियो होता था मॉडर्न स्टूडियो ईस्टर्न स्टूडियो तो आप सबको पता होगा लेकिन मॉडर्न स्टूडियो के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता मुझे नहीं मालूम हाँ मॉडर्न स्टूडियो को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया और आ, फिर मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये तो पैप्सी कंपनी बोले नहीं पेप्सी का ऐड हो रहा है बोले नहीं नहीं पैप्सी का नहीं यहाँ पर एक स्टूडियो भी है मैं कह रहा स्टूडियो बोले हाँ वहाँ पर सेट लगते हैं मैंने कहा अच्छा अच्छा जब अंदर जा रहे हैं तो इस तरफ बहुत ह्यूज सा सेट लगा हुआ और मैं यूँ देख रहा हूँ मैंने कहा ये क्या है तो बोलने ये सेट है हुँ. अब मैंने हाथ लगाया मेरे हाथ कहा ये तो कपड़े है? हाँ कपड़े का सेट लगता है कहा यार ये कोई चीज़ उस पे कलर हुआ हुआ पूरा सेट लगा हुआ दूर से देख रहा हूँ बिल्डिंग खड़ी हुई है तो ये तो कपड़ा है और उस तरफ एक बंदा बैठा हुआ था और वो अंधेरे में थोड़ा सा था और हल्की हल्की सी शक्ल दिख रही थी और सब उससे हाथ मिला के ना फर्स्ट फ्लोर पर सेटिंग होती थी तो सब उससे हाथ मिला के जा रहे हैं और वहाँ ऊपर बैठे तो बोले यार साकेब मलिक से हाथ मिलाया हमने अब मैं पूछा भाई ये साकेब मलिक कौन है ये तो मुझे बता दो <laughs> तो बोले अभी क्या कौन है यार ये लड़का मैंने कहा बता दे यार कौन है ये साकेब मलिक बोले साकेब मलिक जिसने कमाज बनाया नारे ना मैंने कहा ये वो मैंने कहा उसका डायरेक्टर वो मैंने कहा यार बड़ी बात बस वहां से समझ लें कि एक छड़ी घूमी फिर काम किया मतलब उस, उस दिन वो शूट कर लिया आपने। वो शूट मैंने पीछे कर लिया का okay. एड था जवेरी उसका मेन लीड था okay. साकिब मलिक उसका डायरेक्टर था मैं, मेरा काम था कि पीछे ये स्टैंड होते हैं। ये ट्राईपॉड स्टैंड में अपने कंधे पे लेके पीछे से घूमना था फिर वहाँ से साकिब ने देखा साखिर ने बोला इधर आओ जो कि मेन जो टपू के साथ जो था जो सेकंड लीड पे लड़का था उससे हो नहीं रहा था उसका तुम तो इधर आओ मैंने कहा आया जी तुम कर लोगे अब मेरी टाँगें कांपने शुरू हो गए ना पसीना छूटने शुरू हो गए तो उस वक्त एक उनका एडियो होता था बोलते नहीं नहीं घबराओ नहीं तुम कर सकते हो तुम सब कुछ कर सकते हो वो बहुत अच्छा था और वो आया उसने मुझे समझाया तो पहला ही एड मैं आया एक्स्ट्रा था मैंने कर सेकंड लीड लिया, लिया।, लिया। तो वहाँ से फिर साकिब से बात हुई साकिब ने मेरा अगला एड भी उसको इस लड़के को लेकर आना ठीक है तो साकिब ने एक्चुअल में जो इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने पिक किया वो है वो साकिब मलिक था उसने भी वहाँ से पिक किया फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर घर गए घर जाके क्या हाल थे घर जा, 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 जाने के बाद ग, क्या घर जाने से पहले जो था हाँ। जब मैं वापस उनके साथ लड़कों के साथ जाता रहा था हाँ। तो, तो आप भी वो बन गए थे नहीं, नहीं नहीं मैं बन नहीं गया था उन्होंने कहा था अगर कल से नजर आया ना तो इतना मारेंगे तुझे तू आया क्यों बीच में गॉड उन्हें कहाँ से आ गया भाई आते साथ सबका काट के आगे तुम खड़े हो गए उन्होंने फुल मीट टाइट कर दिया था <laughs> और मैं शक्ल देख रहा हूँ इतने सारे लड़के मैं कहा जी 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 घर गया मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैंने ऐसा सा काम किया अच्छा बिलीफ भी मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि वो सेकेंड होता है कुछ थो... किया है जिसकी वजह से ना ये सब कुछ धमाल हो रहा course, है। हाँ. हर बंदा मुझे बड़ा ही कोई ना दो मिनट के लिए स्टार फील भी करा रहे थे और बेजती भी कर रहे थे तो समझ में नहीं रहा था की क्या एक्सेप्ट करूँ स्टार बनूंगी लेकिन वहां से कुछ हुआ जिसको आपको लगा की मैं ये करना चाहता हूँ उसी दिन या थोड़ा आगे नहीं उसी दिन उसी दिन रियलाइज हो गया था कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको एक दफा आपके दिल से आप कोई काम कर रहे होते हो ना आपके दिल से फौरन आवाज आती है okay. कि आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते okay. आपके दिल ने जहाँ बोल दिया ना कि आप ये काम नहीं कर सकते आप कुछ भी कर लो आप नहीं कर सकते वो दिल आपका फर्स्ट टाइम पे आपको बता देता है कि आपको करना क्या है

वो क्या, क्या, क्या कर रहे थे आप आ, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था उसके बाद क्योंकि उस वक्त एज नहीं थी फैशन करता तो नॉर्मल कर रहा था एक दो एड्स किए थे ज्यादा हाँ, भी नहीं किए थे फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर रहा था क्योंकि मैं ए करने चला कैट कर रहा था कैट के बाद ए मैंने अपना स्टार्ट करना था तो और बिल्कुल भी टाइम नहीं था ट्यूशन सो अपनी पढ़ाई तो एक दिन बैठा मैं बैठा हुआ था मैंने अपने दोस्त ने जिक्र किया वो इस, इस, इसी इंडस्ट्री के अंदर होता है मैंने कहा यार मुझे ना कोई फुल टाइम काम करना है यार कोई चीज़ स्टार्ट करनी है उसने कहा यार अब ये एक बहुत ही कोई किस्मत कनेक्शन था एक अजीब सा उसने कहा यार तुम साकेब को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते मैंने मुझे कहा मुझे कहाँ रखेंगे क्या हो गया यार उसने कहा नहीं नहीं तुम ज्वाइन कर लो मैंने कहा मुझे आता भी नहीं है मेरी फील्ड भी नहीं है yeah. चार्ट अकाउंटिंग कर किसी करना चाह रहा हूँ सी ए करना चाह रहा हूँ कहाँ ये फील्ड उसे कहती तुम कर सकते हो तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो ये सोच ही रहा था या उसने पीछे से साकिब को बोला या क्या हुआ है तो एक दिन साकिब की मेरी कॉल आती है पेरेटैक्स okay. आता है कि हेलो mm -hmm. मैंने कहा हेलो डॉट डॉट कौन तो कहा आई एम ओके मैं कहा माई डायरेक्टर हूँ <laughs> तो <laughs> उसे कहा साकिब मलिक उसने सिर्फ ये लिखना था साकिब मलिक मैं तो उठ के खड़ा हो गया मैंने कहा साब मलिक मुझे मैसेज कर है। रहा है क्यों तो इतनी बड़ी बात यार यानी आप सोच भी नहीं सकते थे फिर उसने कहा मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा सही है और मुझे तुमसे काम है उसने मुझे अगले दिन कॉल की तो मैंने कहा जी बोलिए बोलिए अच्छा मुझे भी था दिमाग में कि मुझे वो बात करनी है कि मुझे इनके साथ काम करना है तो सागर मैं क्या कर रहा हूँ आजकल मैंने कहा कुछ नहीं बस कैट कर रहा हूँ और साथ ही साथ ट्यूशन्स पढ़ा रहा था हूँ तो कितने की ट्यूशन्स पढ़ाते हो तो मैंने कहा पढ़ा लेता हूँ क्यों तो बोले अच्छा ऑफिस आओ फॉर मैंने कहा अजी अच्छा आता हूं। मैं आता हूँ और उस वक्त मैं तैयार व्यार हुआ मैं उनके ऑफ़िस चला गया ऑफ़िस आके बैठा कैसे हो रहा है ठीक ठाक म, आ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ट्यूशन तुम बता रहे थे पढ़ा रहे हो क्यों क्या टी, 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 टीचर बनना है देखा नहीं तो क्या करना है मैंने कहा मैं बनना तो एक्टर चाह रहा हूँ लेकिन चीज़ें वीज़ें हो नहीं रही हैं मुझे सम अच्छा भेड <laughs> का कैमरा काम करोगे मैंने कहा क्या कहा तुमने कहा असिस्टेंट बनने का शौक़ है hmm. तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता मैं ज़ीरो हूँ hmm. अच्छा तो तुम एक काम करो मुझे ज्वाइन कर लो मैंने कहा देख लें कुछ भी नहीं आता नहीं नहीं पैसे कितने कमाते हो तो उस टाइम पे मैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ कमा रहा था टू थाउजेंड टेन के टेन में तो मैं कहा तकरीबन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थाउजेंड में अर्न कर लेता हूँ ट्यूशन से मैंने कहा अच्छा मैं मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें स्टार्टिंग जो है ना वो अठारह हज़ार सैलरी दूँगा मैं एक्सपेक्ट करी थी हाँ, ज़्यादा करें नहीं 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 अट्ठारह सौ सैलरी दूंगा और पर डे जो है ना वो एट हंड्रेड रुपीज़ जिस दिन शूट होगी तो आप बन जाएंगे अराउंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तुम्हारे बन जाएंगे तो बोले छोड़ो जो मैं कह रहा हूँ वो करो ठीक है तो मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ भी नहीं आता था बोले अच्छा सही तो मैं कल से तुम आओ तो फिर हम काम स्टार्ट करते हैं गया हूँ अच्छा मैं वो लड़का था कि मैं साखी के साथ सात से आठ साल मैंने साखियो के साथ काम किया है अगर मैं टाइम ड्यूरेशन नोट करू ना ऑफिस में बैठने का तो टोटल मिला के ना वो दो महीने भी नहीं बनता है okay, always... मुझसे बैठा नहीं आता है okay. मैं वो चुलबुला लड़का हूं जो कि सबके नाक में दम करके रहा था और उछलना कूदना मेरे अंदर बैठने के नहीं कि मैं आप बैठ के छह घंटे सात घंटे काम नहीं करवा सकते मैं नहीं कर सकता okay. और ये बात साकिब को बता दी थी मैंने कि मैं यू नहीं हूं वैसे जितना काम करवाना चाहे करवाए और मुझसे पूछा था तुम्हारा काम कम्प्लीट है मेरे काम कम्प्लीट होता था मैं अपने फ़ोन पे ही अपने लैपटॉप पे सारे काम चलते फिरते सब कुछ कर कर आके उसको भेज देता था ठीक है वहां से स्टार्ट किया पहले दिन बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ साकििब को कि किब आए 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 साब आया मैं यूं ही खड़ा हुआ ना अपनी जगह पे क्योंकि उस वक्त मैं नया नया डीजूज बॉय बना था तो डिजूज बॉय जैज बॉय उस वक्त चलता था बैठा हुआ था खड़ा हुआ देख रहा हूँ आया ने कहा टिक तो <laughs> सर मुझे देख के उसने तो कहा देख रहा है बोले ओके अंदर किया बैठा हूँ बराबर वाली कुर्सी में ही बजा आराम से बैठा okay. हुआ और देख रहा हूँ शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है चीज़ें हो रही हैं देख रहा हूँ खाना का खाने का वो सीन हुआ लंच डिनर सब कुछ किया नींद आ गई जाके सो गया hmm. अच्छा उठ के आया दोबारा बैठ गया उससे मुझे नींद पूरी हो गई मैंने कहा उसने मैंने कहा जी हाँ उसने कहा अच्छा 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 सीन हो रहा है जब पूरा दिन शूट हो गुजर गया ना उसने कहा क्या किया आज आपने पूरा दिन नहीं कुछ खड़ा ही नहीं होता <laughs> बैठो शूट देखो खाना खाओ सो जाओ वो बोल नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कल से जब मैं आऊँगा ना स्टूडियो इस स्टूडियो में शूट <laughs> हुई <हो> थी <रहती है। laughs> तो आप बाहर खड़े होंगे और ये बैग ये मुझसे मुझे लड़कों ने भी समझाया बैग उसका न्यूज़पेपर उसके सिगरेट्स और स्टोरी बोर्ड ये सब चीज़ें उस तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारे पास होनी चाहिए तो सिक्स पॉकेट्स पेन के आया करो wow. तो अगले दिन मैं बाहर खड़ा हूँ गेट के wow. ना आया साके को बैग लिया कॉफ़ी ली न्यूज़पेपर साइड पर रखा स्टोरी बोर्ड पीछे लगाया वॉकी टॉकी साइड पर लगाई वो तो सब कुछ करने के बाद ना अब सा काम समझ में आना शुरू हुआ वो पहली शूट थी जो कि बहत्तर घंटे चली थी wow. और वो शूट थी वो शूट थी, वो थी आ, नेशनल नैशनल का पाकिस्तान okay. और बहुत बड़ी शूट थी वो और छत्तीस घंटे के बाद मैं घर जा रहा हूँ और मैं रोते हुए फ़ोन कर रहा हूँ मैंने कहा अम्मी गर्म पानी कर दें मेरे पाँव के दिन छाले निकले हुए मुझसे oh बर्दाश्त नहीं हो रहा बस मैं आऊँगा मैं आया और साकिब में से मैंने दो घंटे का गैप दिया था okay. पूरी टीम को hmm. वापस आ जाना है क्योंकि उसके बाद हमारी फ्लाइट थी हम जा रहे थे लाहौर wow. और वो करने के बाद हाँ उसके बीच में नहीं नहीं उसके बाद बीच में भी एक गैप था जब मैं अच्छा आया तो साके को बताया यार ऐसा हो गया वैसा हो गया नींद नहीं हुई पूरी वो <laughs> तो रही साके रही। बोला अच्छा तुम्हें तो सोना है मैंने कहा थोड़े से सोना है <laughs> तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ ऊपर जाके ना जाके सो जाओ <laughs> तो मैं ऊपर गया हूँ मैं लेटा आऊँ <laughs> मैं आठ घंटे के लिए सो गया <laughs> अब शूट करके ना आ रहा हूँ यूँ ऊपर से ना आके देख रहा हूँ मैंने कहा हाँ शूट तो हो रही है सेट चेंज लग रहा है यार दीवारें सारी आगे पीछे हो गई क्या हुए मैं आके मैंने कहा कौन सा सिक्वेंस चल रहा है साके

एंड देन वो खुद ही आपका लर्निंग प्रोसेस था जिस बट आई थिंक आपके लिए भी बहुत नई चीज़ थी एक बंदा जिसे किया नहीं उसको बहत्तर घंटे की शूट में डाल दो तो बट इंटरेस्टिंग जर्नी बहुत मजे का लग रहा है तो इसके बाद भी फिर वाक्य तो फिर आप स्लोली सीढ़ियाँ चढ़ते चर, गए इसी तरीके के हाँ। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया था कि सब सो रहे होते थे मैं अकेला जाग रहा होता था hmm. कि वो ट्रेन हो चुके थे ऐसा ट्रेन कर दिया था उसने hmm. मुझे hmm. कि मुझे आज भी याद है हम एक कैंपेन कर रहे थे अंगूठा चलेगा शहजाद रॉय की ओके। okay. जो बहुत हिट भी हुई थी और उस कैंपेन पे मैं दो दिन दो रातें बिल्कुल नहीं सोया था और सब सो रहे थे wow. और मैं अकेला खड़ा हुआ था मैं अकेला खड़ो के सब इनफैक्ट hmm. मैं सेट के ऊपर अकेला खड़ा हुआ था और अब अकेला काम कर रहा था सब सो गए थे और फिर सबको मैं मैंने साथियों को आकर उठाया कि सा उठें

अभी भी महीने महीने के बाद एक ना एक कर लेता हाँ, but not Somehow, के हाँ। ये आपका है है ना आप आप जैसे वो हाँ। वो हो जाते हैं हैं या कुछ है जो director, actor दोनों बने हुए हाँ। तो acting is your priority. ऐसा लगता है मुझे बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों है उसकी वजह थी जब डायरेक्शन कर रहा था और के साथ था तब रियलाइज कर चुका था कि बहुत सारी खामियां हैं हम लोगों में Okay. हमारी इंडस्ट्री क्यों पीछे है उसकी बहुत सारी वजूहत हाँ डायरेक्शन हो गया टीवी डायरेक्शन हो गए एक दो ड्रामे कर लिए थे साइट पे तो फर्क ये था कि दोनों सारे काम करना चाहते हैं यानी टीवी इंडस्ट्री भी और एड इंडस्ट्री भी दोनों सारे काम करना चाहते हैं इन दी एंड दोनों फिल्म बनाना चाहते हैं ठीक है। और फिल्म बनाने के लिए जो हमारे टी वी डायरेक्टर्स जितने भी हैं ये बहुत ही अजीब सी बात है लेकिन ये सच है ये मैं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा कि मुझे लगता है कि टी वी डायरेक्टर जो है उसका विजन जो है शॉर्ट के हिसाब से वो बहुत वीक होता है okay. कॉन्टेंट में वो बहुत उसका ग्रिप होता है उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है कॉन्टेंट के अंदर लेकिन अगर आप एड डायरेक्टर को देखें तो उसके शॉर्ट्स बहुत खूबसूरत होते हैं उसके अंदर एडिट वो इतनी तेज करते हैं चीज़ें करते हैं कि सब चीज़ें संभल जाती हैं yeah. लेकिन उनका कंटेंट बहुत वीक होता है okay. उनके कंटेंट के अंदर वो जान नहीं होती उनको वो फील नहीं पता होती जो कि एक ड्रामा वाले को पता होती है yeah. तो मुझे इन दी एंड जो है वो फिल्म मेकर बनना है डायरेक्टर yeah. फिल्म का डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए मैंने एक्टिंग स्टार्ट की कि मुझे कॉन्टेंट की समझ में क्योंकि जितने एप जितने एक साल के अंदर मैं ड्रामे कर लेता हूँ मुख्तलिफ़ कंटेंट को पढ़ लेता हूँ मुख्तलिफ़ राइटर के सबके इमोशनल्स को और ख़ुद फिज़िकली अप्लाई कर लेता हूँ Hmm. तो जब मैं खुद अपनी फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे बहुत इजी होगा मैं अब आप कैमरे के, के समझना चाह रहे हैं ताकि आपको दोनों फील्ड की समझ आ जाए बिल्कुल बिफोर आप कुछ नया करना है कुछ बड़ा करना है तो आपको दोनों की फीलिंग आनी चाहिए क्योंकि स्कूल नहीं है यहाँ पर कोई ना अब हमारे दूसरे मुल्क जो है वहाँ लोग पढ़ कर आते हैं तो ये सब चीज़ें लेकर आते हैं अपने साथ यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है इस किस्म का जो ये सारे इमोशनली आपको पता हो या आपको पता हो कि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या आप अपने प्रैक्टर कैरेक्टर प्ले करवा रहे हो किसी से तो अगर वो कोई डायलॉग बोल रहा है तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता नहीं। ये आपको पता होना चाहिए एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए फिर एक्टिंग में क्यों कर रहा हूँ अभी ज़्यादा तो एक्टिंग इस वजह से में दूसरी वजह वजह यह है एक्टिंग ज़्यादा करने की के डायरेक्शन तो मैं फोर्टी के बाद भी कर सकता हूँ लेकिन एक्टिंग में फोर्टी के बाद हीरो नहीं, नहीं बन सकता नहीं बन okay. तो एक वजह है जज्बा शौक जज्बा फिर मुझे लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ तो अच्छी चीज़ें मुझे अंदर से फील आती है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा क्या पढ़ा हुआ है आपने मैं ए के मैंने नौ पेपर क्लियर किए हुए और साथ में एम किया हुआ मैंने एम बी ए भी किया क्योंकि मैंने पढ़ा, MBA, MBA था, MBA हाँ। पढ़ा था और फिर आपने अभी ए सी सी ए मैं तो मैंने कहा मैं क्लेफाई कर लूँ कि कहाँ इन्फॉर्मेशन ए सी सी ए मैंने ड्रॉप कर दिया था नौ के बाद क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था साकििब के साथ में बैक टू बैक लगा हुआ था और जहाँ हमारा ऑफिस था उसके पीछे ही हमदर्द की एक ब्रांच भी थी हमदर्द यूनिवर्सिटी की तो मैंने साकििब से डिस्कस किया कि मैं एम करना चाह रहा हूँ तो कर लूँ तो साखी को बहुत बढ़ा था नहीं, नहीं तुम पढ़ाई कम्प्लीट करो एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज मुझे लगता है बहुत से लड़के लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ दे छोड़ देते हैं आपने कम्प्लीट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक पढ़ाई आपको मैं इसी वजह से साखी को ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ हर चीज़ में ज़्यादा नाम लेता हूँ क्योंकि जो जो मेरा पॉइंट था उस वक्त स्टार्ट करने का करियर बनाने का चीज़ों के साथ हर चीज़ को तो उसने मुझे हर चीज़ में हेल्प की है मेरे माँ ने मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है मेरे माँ बाप ने और डेफिनेटली

जब काम नहीं मिल रहा था चीज़ें नहीं मिल रही थी और आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती थी आपको अपने एक्सपेंसेस पूरे करने होते थे पेट्रोल पूरा करना होता था तो आपको ये काम करने काम करना आप, आपके चॉइसेस होते थे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर लो या अपने आप पेट को पूरा कर लो तो मेरे लिए ड्रीम बहुत बड़ी चीज़ थी मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना होता था फिर साथ साथ में जब काम कर रहा होता था तो मुझे काम के वक्त बहुत ये ये पहली बात थी दूसरी बात यह कि काम के वक्त मुझे बाज़ अवात पता भी नहीं होता था कि खाने का टाइम कब हुआ है जो कि गलत भी एक तरीके से गलत है हाँ। अपनी एक सेहत का जी कर क्योंकि अब ये बात रियलाइज होती है मुझे कि जब मैं काम अच्छा करने करने लगा हूँ चीजें करने तो सेहत सबसे पहले सबसे पहले सही बात है आपके पास सेहत है आपकी हेल्थ अच्छी है आप सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल तो वो भूख वाला जमाना मुश्किल था याद आता है सबके लाइफ में फेस होती हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सब आपके सीखने का पीरियड होता है अगर आप ये सब चीजों से गुजर जाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं ये कोई रीज़न नहीं है hmm. अगर आप फेल हो रहे हो या आप पास हो रहे हो तो इसमें दूसरों का कोई क्राइटेरिया नहीं है दूसरे तो आपकी जिंदगी में आएंगे ना hmm. अगर आपको अकेले जिंदगी इस दुनिया में गुजारनी थी hmm. तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था सबके लिए एक एक दुनिया देना hmm. उसके से कौन फया कौन बस yeah. कौन कहता हुआ सब कुछ बन जाता हम आप अपनी दुनिया में रहते हैं मैं अपनी दुनिया में रहता है अल्लाह तक हाँ अल्लाह तब को एक साथ रखना था ना तो सबको एक साथ रहता तो सब एक साथ होते तो मुश्किल आती हैं अच्छाइयाँ आती हैं हर किस्म की चीज़ें सिचुएशन आती हैं आपकी लाइफ में True. तो उसमें ही जीने का मजा है ना मजा है। एक साल पूरा आपके पास काम नहीं था दो साल तक दो साल था। कैसा था वो दो साल... यार आ, वो दो साल ऐसे थे उस दो साल आ, बिल्कुल भी काम नहीं था और बड़े टफ लाइफ थी लेकिन उस लाइफ के अंदर मुझे पता चल गया कि कौन मेरे साथ है खड़ा और कौन नहीं है hmm. शिकायत किसी से भी नहीं की लेकिन मुझे पता चल गया था तो so, ये काम मिल नहीं रहा था या ऐसा था कि काम मिल रहा था वो काम करना नहीं चाहते कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ काम वो कहते हैं कि नहीं हम सफर कर लेंगे लेकिन hmm. हमें ये काम नहीं करना कुछ लोग होते हैं उनकी चैलेंज होता है उनको काम ही नहीं मिल रहा था आप किस कैटेगरी में आ रहे थे

मुझे वो, भी, as, भी, नहीं मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा था शादी हो चुकी थी उसका ये अभी की बात है ओह ये कुछ टाइम पहले की बात है ओह आई एम सॉरी ओके मुझे नहीं पता था ये कोविड के दिनों की बात है और बहुत मुश्किल वक्त था फिर उ, उ, उस दौरान मेरा जो आ, बेटा था वो भी पैदा हुआ बेटा जो आर्यन तो हाँ सेकंड वन आर्यन तो बहुत मुश्किल टाइम गुजारा लेकिन मेरे माँ बाप मेरा बड़ा भाई मेरी वाइफ इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की एक्चुअल में इन्होंने ही हेल्प किया है और वो जो फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है तो मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास किसी चीज़ की कमी है वो दो साल अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उस दो साल के बदले में राइट आपका तो इतना काम आ चुका था तब बिल्कुल रही ऐसा रही था, हाँ। बिल्कुल ऐसा था यहाँ बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर इश्यूज भी ये हैं कि एक तो मैं बात को बहुत दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ आप देखें यहाँ पर बोलते हैं कि यार नॉर्मल होना चाहिए ये फिजीक बना लेते हो बॉडी तुमने बना ली है तुम काम नहीं कर सकोगे ये हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में वैसा नहीं होता हम कोई फिल्म थोड़ी कर रहे हैं हम चीज़ें नहीं करते दो तीन सवाल बट मासूमाना सवाल है मेरे तो फिर अपने आप को हीरो क्यों कहते हो या हीरोइन क्यों कहते हो अगर आपने उस पर एफर्ट नहीं करनी अगर आपको नॉर्मल दिखना है आप ये सवाल जो मुझसे कहते हैं मैंने आज तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया ये मेरा फर्स्ट टाइम है जवाब देने वाला

आपका वो ड्रीम है अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती जब मैं एक्टिंग करने के लिए गया तो बोले नहीं आपने फिजिक अच्छा फिज़िक मैंने एक फिल्म के लिए बनाई थी किसी फिल्म के लिए लग के हैं छः महीने मैंने उन्होंने फिज़िक बनाई थी क्योंकि मुझे उसी पैटर्न पे चलना था जिस पैटर्न पे दूसरे मुल्क के लोग चल रहे होते हैं आपको कुछ नया करना है अपने मुल्क के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा जो डिफरेंट होगा जो लोग अप्रिशिएट करें तो आपने बॉडी बना ली है आप बड़े स्टिफ हो गए हमें मैं कहता था यार ये बंदा मेरे साथ एक दिन भी नहीं रहा नहीं। उसको क्या पता है मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ मैं क्रिकेट रोज़ खेलता हूँ स्ट्रेचिंग रोज़ करता हूँ यानी मैं कंप्लीट पैकेज बन रहा हूँ उसको कुछ पता ही नहीं है सिर्फ सिर्फ मुंह से बोल दिया कि आपने बॉडी बना ली है बॉडी बना ली है तो मुझे आप ये बताओ कि फिर जो दूसरे हीरोज़ हैं जो हीरोइंस हैं वो अपने आप को हीरो हीरोइन क्यों कहते हैं जब एक वो कहते हैं कि टी तो नॉर्मल पर्सनैलिटी वाला बंदा हीरो वो बनता है नहीं गलत बात है हीरो बनने के लिए आपको सर से लेकर पाओ तक हीरो दिखना होगा hmm. कहना आप अपना आपको हीरो, okay. हीरो ना हीरो बनने के लिए आपको फाइट भी आनी चाहिए आपको डांस भी आना चाहिए आपकी फिजिक भी अच्छी होनी चाहिए आपको एक्टिंग भी आना चाहिए और आपको अपने स्टंट्स भी काफी हद तक खुद करने आने चाहिए ये हीरो की डेफिनेशन है कंप्लीट पैकेज ये हीरो है अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो टीवी पे आते हैं और लेकिन हम सुपरस्टार हम हीरो हैं तो आप हीरो नहीं आप सिर्फ और सिर्फ टीवी एक्टर हो बस ओके okay. ठीक है अगर आपको नॉर्मल लिखना है ये एक चीज़ से जो को मिलती है तो आप में और नॉर्मल लोग में फ़र्क क्या है जो सामने सड़क पर एक लोग बंदा आम आवाम जो चल रही है जो आपको आइडियलाइज करती है उसमें और आप में फ़र्क क्या है सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप अपना आप साफ सुथरे होकर स्क्रीन के सामने आके खड़े होकर अच्छे कपड़े पहन के बस तो कोई भी कर सकता है हीरो नहीं है ओके okay. तो आप फिजिकल अटायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मैं सब चीजों को सब चीजों को मेनली सब चीजें बैलेंस okay, होनी चाहिए अगर मैं ये कहूं कि आप के ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में फिजिकल अपीयरेंस इस एस एस्पेक्ट से फिटनेस के एस्पेक्ट से थोड़ी अंडर की जाती है फॉर एक्टर्स ये आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।, चाहिए। क्योंकि दूसरा सवाल मेरा जो मैं कहने वाला मैंने एक थी। एक और मैं दूंगा कि जब सामने से कोई चलते हुए आ रहा होता है चाहे वो आ, कोई कोई भी हो हीरो हो या हीरोइन हो तो सबसे पहले आप उसकी पर्सनैलिटी देखते हो आप उससे बात नहीं करते हो कैसा है ठीक ठाक ऐसा नहीं होता आप उसको देखते हो कि यार इसकी वॉक इसकी फिगर इसकी ड्रेसअप इसका लुक उसके बाद आप उससे बात करते हो तो पहले अपनी फिजिकली अपेयरेंस तो अच्छी करो स्क्रीन पे आओगे फिट होनी चाहिए फिट होनी चाहिए फिट मैं होनी मसल्स होनी चाहिए। नहीं कहता बनाओ हाँ, हाँ।, हाँ क्योंकि बिकॉज ये थिन लाइन है जिसमें हम उसको जैसे हम गोरे रंग पे बोलते हैं हम, <coughs> हम उसको उस सेक्शन में नहीं डालना चाहते कि हम उसको बिल्कुल एक यू नो बहुत मटीरियलिस्टिक या बहुत वो करते हैं हम उसको एक सही तरीके से मुझे अल्फाज नहीं आ रहे कहने के लिए मैं वो करी बट आई अंडरस्टैंड यू सो हम उसको कह रहे प्रेजेंटेबल और एक मीडियम एक बैलेंस होना चाहिए ये भी नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप आर्टिफिशियल कर दें करते हैं। हाँ। ठीक मैं है। कहता हूँ एक अपेयरेंस होनी चाहिए एक डायमेंशन होनी चाहिए बॉडी की सही है वो बनाओ मैं ये नहीं कह रहा कि मसल्स ग्रो करो लेकिन हीरो का पेट अंदर होता है बाहर होता है खुदा का वास्ता है पेट और सीना अंदर ना करो हैं हैं कोई ऐसे सब के अच्छा ओके माशाल्लाह से आपको एक जगह से ये बोला गया था यार गोरा रंग करके आओ हाँ. और कुछ बॉडी बॉडी बनाओ हुँ. तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसके बाद आपने कहा कि मैं गया मैंने जैसे अभी भी आपने मेंशन किया मैंने आसपास देखा लोग कैसे काम कर रहे हैं हीरोज कैसे हैं तो ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं आस पास देखूँ अपनी कि मैं कैसा मुझे कैसा होना चाहिए और किसी को उठाया आपने किसी से इंस्पिरेशन ली देखिए और क्यों नाम ले सकते हैं Uh, जब असिस्टेंट uh, डायरेक्टर था ना तो हमारा काम ही यही होता था कि हम रेफरेंसेस ढूंढे। ओके, तो, वही तो वो वर्किंग करने की इतनी ज़्यादा आदत थी पेपर वर्क करने की कि हर चीज़ को uh, एक वकील की तरह एक लॉयर की तरह हर चीज़ का सबूत होना चाहिए ठीक है। अगर मैं ये शॉट ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ इसका रेफरेंस क्या था और अगर मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ तो उसकी कलर की डेफिनेशन कैसे होगी मैच कैसे करेगा इसकी डायमेंशन कैसे होगी हर चीज़ को थ्री सोच के एक ऑन पेपर ला हमें एक पूरी फाइल बनानी हो होती थी तो वही चीज़ थी कि अगर आपको हीरो बनना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ठीक है रंग गोरा करने वाली बात बिल्कुल हुई थी मेरे साथ रंग गोरा करके आ जाओ तो हीरो बन जाओगे तो बड़ी कोई अजीब सी बात है ना कि रंग गोरा करके आ जाओ हीरो बन जाओगे तो ब्रो मुझे कोई ये बता दो कि फिर बाकी लोग एक्टिंग क्यों कर रहे हैं पागल hmm. है हमेंटिंग कर एक्टिंग के तरफ फोकस है hmm. एक्टिंग कर लो सब कुछ हो जाएगा यार पैसा yeah. आएगा सब कुछ सही हो जाएगा yeah. एक्टिंग कर ले hmm. क्योंकि यहाँ एक्टिंग के ऊपर किसी का को कोई फोकस नहीं है अब तो कास्टिंग भी ऐसी हो रही है कि तीन नाम आते हैं तुम कम अच्छा ये कम पैसे ले रहा है इसको कास्ट कर लो ऐसा नहीं होता hmm. ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाह रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर हम पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये मैं अकेले नहीं हम सबको मिल के करना होगा बिल्कुल सही आप और प्लीज़ ये फिर कहना छोड़ दें कि सामने वाले अब बराबर वाला वो मुल्क इतना ऊपर जा चुका है हम इतना पीछे हैं हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम खुद मेहनत नहीं करते अगर मुझे हीरो बनना है तो मैंने अपनी वैसी बनाई मैं डांस सीख रहा हूँ मैं मैं तो मैंने अपना सोना उड़ना बिछोड़ना सब कुछ मैंने ये कर लिया है मैं सोचता इसी से हूं क्योंकि कि किसी ने किसी को स्टेप उठाना होगा yeah, कायदे आजम hmm. ने स्टेप उठाया तभी पाकिस्तान बना ना hmm. अगर वो यही सोचते हैं गोल क्लियर है कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है तो जब उस वक्त आपने किस किन को रेफरेंस कोई ही है एक दो लोग जिनका नाम जी जी ना बिल्कुल बिल्कुल हीरो सबसे पहले फरहान अख्तर को लिया ओके क्योंकि फरहान अख्तर ने कम, कमाल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की थी कैरेक्टर के अंदर किया था अगर अगर आप उसकी फिल्में उठा के देख लें तो भाग मल भाग चेंज कंप्लीटली चेंज एक सिख पतला दुबला एथलीट रनर hmm. फिर दूसरी उसकी अगर आप अभी देख लें तूफ़ान yeah. फिर अगर आप उसकी एक और देखना दिल चाहता है तो तीनों कैरेक्टर्स hmm. एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. है और मैं एक बात और बहुत क्लियर करना चाहता हूँ मुझे वो पसंद इसलिए है कि कि उसका विजन एज अ राइटर भी बहुत अच्छा है एज़ अ सिंगर भी बहुत अच्छा है एज़ अ प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छा है एज़ ए एक्टर भी बहुत अच्छा hmm. है मैं यही चीज़ अपनी इंडस्ट्री को समझाना चाहता हूँ मुझसे अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि तुम एक चीज़ को दो कश्तियों पे क्यों सवार हो? गिर जाओगे मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से ये मीडिया एक बुक है और उसके चैप्टर्स हैं एक्टिंग डायरेक्शन, प्रोडक्शन राइटर ये सब उसके चैप्टर्स हैं मेरी कितनी एबिलिटी है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ अगर आपके अंदर है तो आप भी पढ़ लो मैंने रोका तो नहीं है नहीं। लेकिन इस ये बेसिकली मीडिया एक चैप्टर है बस मेरे हिसाब से ये, ये media एक मीडिया एक बुक है और मैं उसके सारे चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूंगा

अभी तो पता नहीं बहुत सारे लोग मेरे से चढ़ जाएंगे इस ये बात सुन के तो मेरा एक सवाल है जो अवार्ड देते हैं जो ये फैसला करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देख के अवार्ड देते होंगे सही देते होंगे मैं तो नहीं कह रहा गलत देते होंगे लेकिन क्या उनको पता है कि किस डायलॉग के ऊपर किस परफॉर्मेंस के बेस पर उन्होंने उसको अवार्ड दिया है तो वो परफॉर्मेंस मुझे बता दे कोई तो आप ये कह रहे कि अब तक जितने अवार्ड दिए गए उनमें से मैं वैसे मुझे मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ होती हैं मुझे आपकी स्टेटमेंट भी मैंने सुनी थी और मैं अगले कुछ सवालों के बाद ये पूछना माली थी अब हम बात कर रहे हैं तो

मैं ये कितने सालों से एक फ़र्ज करें मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यार मेरे डांस परफॉर्म करना है फ़र्ज करें मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी डांस परफॉर्म करना है मुझे डांस करना है मुझे डांस आता है मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं तीन साल से अगर बात कर रहा हूँ किसी से चार साल से मैं बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं चांस दिया जा रहा और आप सो कॉल्ड उन्हीं को आपको पता है आज तक आप इस स्टेप से बाहर नहीं निकले आप इस स्टैप से बाहर नहीं निकले क्या है ये आप कहते हो कि हमें अपनी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाना है क्यों अच्छा चलें एक बात बता दें

ओके okay, ठीक है इंटरेस्टिंग um, आपको लगता है जिस स्टेज पे आप अभी हैं आप खुश हैं या आपको लगता है ज़्यादा लीड रोल्स मिलने चाहिए आ, या अभी तक आपका जर्नी है ये ख्वाहिश है मेरी कि मुझे प्रॉपर सही तरीके से लीड रोल मिलने चाहिए क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ मैं इन सब चीज़ों के ऊपर लेकिन मैं खुश जहाँ तक खुश की बात है मैं बहुत खुश हूँ मेरे दिमाग में सब बातें ना पहले थी हाँ से दो साल हाँ शिपे थे दो साल तक दो साल पहले तक सारे शिपे थे मुझे चांस नहीं मिल रहा मुझे ये नहीं मिल रहा मुझे वो नहीं कास्ट कर रहा मुझे ये नहीं कर रहा इसको क्यों कास्ट कर लिया इसको ये सब फजूल की बातें हैं जब बताऊँ हमारा दीन हमें बहुत सब्र सिखाता है हम सबको दीन के करीब होना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ो ये काम मैं ख़ुद कर रहा हूँ यार मैं किसी को नहीं कह रहा ये काम छोड़ो लेकिन दीन के करीब रहो दीन हमें सब्र सिखाता है और जिस दिन हमारे अंदर ठहराव आ गया सब्र आ गया आप कामयाब हो जाओगे ठीक है और मुझे उसी सबर के बाद ज़्यादा काम मिलना शुरू हुआ है मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है अगर मैं परफॉर्मेंस करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल जाएगा लेकिन मुझे उसके लिए परफॉर्म करना होगा तो मेरा मैं क्यों किसी से अपनी बात करूँ बिल्कुल हाँ और मैं अपनी जो मैं बात दूसरे करने से टाइम ज़ाया करूँ मैं उससे अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दूँ ताकि अपनी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होंगी आपको अगर परफॉर्मेंस मेरी अच्छी लगी हो सकता है कर आप मुझे कास्ट कर लो तो बेट्स इन दी एंड आप मुझे मेरी कास्ट पे मेरी कास्टिंग पे ही करोगे सही है जो मेरी एक्टिंग मेरी परफॉर्मेंस पे ही मुझे कास्ट करोगे ना तो मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता हूँ मैं अपने आप को इतना बुलंद कर देता हूँ कि सामने वाला खुद ही राजी हो तो ये दीन की तरफ अल्लाह की तरफ

ये कैसे हुआ बेस्ट फ्रेंड वाइफ हाँ बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल ऐसा है अरीबा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और यही था कि घर वाले कह रहे थे कि तुम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं तुम एक काम करो हम तुम्हें तो यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस है उनके लिए स्टिल अभी भी मीडिया जो है वो बुरी फील्ड है वो मीडिया को पसंद बहुत करते हैं है। देखते बहुत हैं लेकिन मीडिया पे बिलीफ नहीं करते यानी भरोसा नहीं करते आपसे सेल्फी भी बहुत ज़्यादा खिंचवाएंगे आपके साथ रहेंगे भी आपको बुलाएंगे भी लेकिन जहाँ रिश्ते जोड़ने की बात आती है वहाँ पर वो सब पीछे हट जाते हैं वो आपके साथ हाँ क्योंकि मेरे माँ बाप कहते थे कि यार नहीं हम तुम्हें तो इस फील्ड में ना अकेला नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें तो छोड़ के नहीं तो कुछ रिश्ते रिजेक्ट हुए आपको हुई तो बेसिकली बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ मेरे मेरे माँ बाप उसमें बिलीव नहीं कर रहे थे तो, ओ, मैंने okay. तो, मैं तो मैंने कहा तुम्हें क्या करूँ तो उन्होंने कहा या तो शादी कर लो ओ, या तो हमारे साथ चलो सॉरी मैंने गलत में हाँ। ये बात कर रहे थे okay. या शादी कर लो या तो हमारे साथ चलो तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये था मैं शादी कर लो अब शादी के लिए लड़की देखूँ तो कोई समझ में ना आए क्योंकि वो जो एज थी उस वक्त तो बंदा चाहे हीरो स्क्रीन पे आए ना आए वो अंदर अपने आप में हीरो होता है इक्कीस बीस बाईस साल चेईस साल के अंदर वो सुपरस्टार होता है अपने अंदर के मुझे दुनिया की सारी चीजें पता है माँ बाबा कुछ कहते हैं यार बेटा इसको इसी तरह कह दो बाबा आपको क्या पता है इसकी इस तरह होता है ये होता है हर किसी फेस से आते हैं हर किसी की लाइफ में तो मुझे अरिबा दिखी मैंने कहा यार अरिबा यार मैं तुझसे ही शादी कर लेता हूँ यार तो बोली कि तुम जो हो ना ये जो दूसरों के साथ पैंतरे करते हो ना ये मेरे साथ बात करो क्योंकि मैं कुछ भी नहीं hmm, अलीबा को सारी बातें पता होती थी मेरे सारे अफेयर्स के बारे में सब कुछ पता होता था अलीबा को <laughs> तो मैं उससे डिस्कस करता था बैठ के तो मैंने कभी सोचा ही था लड़की की तरह उसको मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड समझता था तो उसने कहा नहीं मैं <laughs> सीरियसली बोल रहा हूँ नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं होगा यार नहीं वो जानती था? थी ना मुझे मजाक कर रहा हूँ मजाक में करता था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करता था मजाक तो उसने कहा अच्छा एक काम करो ना रिश्ता भेज दो मैंने कहा हाँ ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है मैंने अम्मी को बोला मैंने कहा शादी कर रहा हूँ का, तो तुम्हें करना तो कर लो मैं कहा बस आप जाइए उनके जाए। वो भी <laughs> और हो भी का तुमने में, हाँ, हाँ? में हाँ? अरीबा खुद uh, हैंग हो गई सब चीजें हो गई उनके घर से भी यहाँ हो गए क्योंकि घर वाले तो जानते थे हम दोनों को आपस हुँ. में और इंगेजमेंट हो गई फिर एक्चुअल एंगेजमेंट के बाद मुझे अरीबा से प्यार हुआ उससे पहले दोस्ती थी

<laughs> ये एक अच्छी सी स्टोरी थी okay. फिर बॉन्डिंग मेरी और अरीबा की काफ़ी ज़्यादा थी हर चीज़ में अरीबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है hmm. और अब देखा जाए तो अरीबा का और मेरी माँ का और मेरे बेटे का बड़े बेटे का hmm. उनका ख़्वाब है कि मैं सुपरस्टार बनूं सुपरस्टार अच्छे, अच्छे. तो अब अब बेसिकली मेरा ख़्वाब नहीं है अब hmm. उनका ख्वाब है और मुझे hmm. इनका ख्वाब पूरा करना तो आप क्या एडवाइस करेंगे शादी जो है वो एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए जैसे आपने किया हुँ. था या मोहब्बत से करनी चाहिए यार शादी मेरे हिसाब से ना जैसे मैंने अरीबा से जब हमारी बात हुई थी कि अरिबा से मैंने कहा कि यार मैं शादी करना चाहता हूँ तो अरीबा ने मुझे एक बात साथ साथ में भी बोली थी अम्मी को भेजने के साथ साथ कि अगर हमारे माँ बाप नहीं माने तो हम इस चैप्टर को ही क्लोज कर देंगे यानी वो नहीं करेंगे जो आजकल हो रही चीज़ें कि लड़का पागल हो गया लड़की पागल हो गई तो टैबलेट्स खा ली तो फल कर लिया ठमकाना कर लिया ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना माँ बाप की इज्जत है माँ बाप अगर राजी हैं ये बात हम दोनों को शुरू से पता थी माँ बाप राजी हैं तो तो आपका बेड़ा पार है आप इस दुनिया में तरक्की कर सकते हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी और अगर माँ बाप आपसे राजी नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लो

मैं कहता हूँ कि देखें आजकल जो है ना वो प्यार बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है लोगों को और बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं जो कि सही भी है जो कि गलत भी है मैं ये कहता हूँ कि आप प्यार करो और छः महीने तक एक दूसरे को टाइम दो चीज़ों को समझने के लिए शादी फ़ौर ना करो किसी को भी कहता हूँ शादी फ़ौर ना करो साल का टाइम दो उस साल के अंदर आपको पता चल जाता है कि लड़का की डिमांड्स क्या हैं या लड़की की डिमांड्स क्या हैं वो आपके साथ कहाँ तक चल सकता है कहाँ तक नहीं ऐसा नहीं कोई बेवकूफ नहीं सबको पता चल चुका होता है लेकिन अब ये उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आप जान बूझ कर वो जहर का गुट पीना चाहते हो या उस गिलास को दूर रखना चाहते हो okay. मैं सबको यही कहूंगा ना ना लोग लो शादिया करते ही नहीं है शादी करना तो ज्यादा मुश्किल हो गया तो आज वो भी गलत है लोग अगर शादियां नहीं भी करते तो वो भी गलत है लेकिन टाइम तो दोनों को मिलकर देना होगा को ही कुछ भी कर लो आप ठीक है

एक ऐसा आशिक दिखाया था कि देखिए इससे पहले बेबाक चला मेरा बेबाक के अंदर मुझे झुक के चलना था साइड की पार्टीशन थी और एक बहुत ही बोंगा दिखाया था लेकिन वो उस वो प्यार भी टूट के करता था इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही था कि वो प्यार भी टूट के करता था लेकिन दोनों में फ़र्क था एक झुक के चलता था दिमाग से बेवकूफ़ दिखाया था ये दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन इसे प्यार हुआ था हीरो वाला True. उसे प्यार हुआ था कि मैं मुझे प्यार मिले ना मिले लेकिन मैं आखिरी वक्त तक साथ निभाऊंगा तो दोनों में फ़र्क है बहुत था तो ये हीरो की तरह देख के और उसके अंदर खो जाना इसकी ये फील थी उसके अंदर ये था कि यार सामने वाले बस इसको सब कुछ मिल गया ना मैं खुश हूँ ये था तो शाहरुख का रिस्पॉन्स कैसा आया शाहरुख का रिस्पॉन्स मेरी बहुत अच्छा है हालांकि कोई इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था बहुत कम काम था

कि इस तरफ उनकी पानी की टंकी थी तो टंकी पे हाथ रख लेता लेकिन बीच में बिल्कुल खाई थी के तो नहीं कि खुदा ना खासा मेरा स्लिप होता तो मैं नीचे गिर भी सकता था लेकिन आ, थैंक के, की तो थो था? के हाँ। मैं थोड़ा टाइप का लड़का तो हाँ। लेकिन मैं है वो एक डर था कि कुछ भी हो सकता है लेकिन आयज़ा अच्छा खान के साथ काम करना कैसा था बहुत अच्छी एक्टर उसको ये नहीं पता कि वो ये नहीं सोचती कि सामने वाला नया एक्टर है या पुराना है या बड़ा एक्टर है या छोटा एक्टर है उसको सिर्फ अपनी एक्टिंग से फोकस है और अपने जो उसके को एक्टर साथ उसके हैं वो बोलती कि वो भी अपना हंड्रेड परसेंट मैं भी दूंगी आयजा बहुत अच्छी लड़की है एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बींग सब कुछ दिलावेज इसको क्यों हाँ बोला है आपने ये इसलिए मैंने किया क्योंकि बैक टू बैक जो थे ना मेरे दो बहुत ही सोफिस टाइप के शरीफ वाले कैक्टस आ गए थे आ, अभी मैं उस रॉ में आना ही नहीं चाहता जहाँ पर मुझे ये सब ये कहें कि तुम सिर्फ हीरो हो या तुम फलाओ मुझे अपने अपने अपने, अपने शेड्स दिखाना है यहाँ भी आगे जा काफ़ी कमीन की नज़र आएगी हाँ ये एक अलग तरीके की है जैसे इसके अंदर फुल बदतमीज़ है चाहे वो कोई भी सामने हो बदतमीज़ है ये okay. और एक अपने आप में ही हीरो है ये तो मुझे अपने शेड्स दिखाने हैं जब मैं एक लेवल पर आके खड़ा हो जाऊँगा ना स्टार बन जाऊँगा जब मैं उस जगह पे आके पोजीशन ले लूँगा तो उसके बाद मुझे सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि मुझे कौन से कैरेक्टर्स करने हैं कौन से नहीं करने हैं अपने स्टारडम के लिए लेकिन उससे पहले की जो मेरी जर्नी है उसमें मुझे सारे शेड्स करने हैं ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं मैं हर किस्म की परफॉर्मेंस कर सकता हूं कोई सेट से वाक्य सुना सकते हैं दिलावेस के दिलावेस के सेट <laughs> दिलावेस वो वाहिद मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रात में जब ऑल टाइम में पास आता तो था मेरा ये अल्लाह कल फिर शूट पे जाना है क्यों <laughs> नहीं <क्यूं>? मुझे नहीं <laughs> आना क्योंकि मेरी डायरेक्टर्स के साथ बनी ही नहीं थी पहले ओके मैं और मेरा डायरेक्टर कभी एक पेज पे थे ही नहीं उस टाइम पे वो मुझसे कुछ और करना चाहता था मैं कुछ और करना चाहता था हम दोनों की आपस में बिल्कुल टाइट वाली थी तो फिर ऐसे ऐसे मौक़ों पे कैसे काम करते हैं आप लोग जब इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था और मुझे काम करना था आ, मेरी बात हुई प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने मुझे कहा कि राइट क्योंकि मेरा दोस्त भी है उसने मुझे कहा कि राइट तुम क्या करना चाहते हो लड़ना चाहते हो या क्या करना चाहते हो मैं क्या लड़ना मेरे लिए कोई मसला नहीं है hmm. सही है मैं हूँ इन सब चीज़ों में तो बहुत तेज़ hmm. हूँ लेकिन करना क्या तुम बताओ उसने सही अगर देखो राय तुम्हें काम करना है ना तो वो जो बोले ना खामोश हो जाओ वही सब्र वाली बात आई मैंने कहा यार ये क्या कह रहा या, मुझ्किल मुझ्किल है यार बहुत मुश्किल बात है यार ये तो नहीं हो सकता बोले राय तुम मेरी खातिर कर ले मैं खामोश रहा सिर्फ अपनी एक्टिंग को फोकस करता रहा ये वही सेट है जो आधा होने के बाद मेरा दिल चाहता था और इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा उसी डायरेक्टर से बनती है

You know. आप तो बहुत से लोगों के साथ काम किया हुँ हुँ है। कुछ थोड़ा थोड़ा बता दें आप हानिया के साथ, आपका हानिया के साथ, साथ कहते हैं स, के साथ भी है। स, सारे बहुत अच्छे यशमा अमेजिंग एक्टर यशमा का होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हानिया अगर लोग कहते हैं कि वो टेंट्रम सिखाती है या कुछ करती है लेकिन मेरा हानिया के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हानिया के साथ बिल्कुल फ्रेंडली ऐसा माहौल है बिल्कुल दोस्तों यार वाला माहौल रखती है काम को बहुत ईजी कर देती है सबूर एक अच्छे एक्टर एज यूज सबूर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था किन्जा बड़ी है okay. तो, <laughs> किस किस में... साथ तो भी था उससे पहले, में में पहले था बेसिकली उससे पहले भी मेरी उससे दोस्ती है तो किन्जा के साथ ना एक फैमिली फ्रेंड वाला सीन है तो अभी तक जितने भी लोग हैं मेरे साथ इर्द गिर्द जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है वो सब बहुत रिलैक्स हारून बहुत अच्छा लड़का है हारून hmm. बहुत अच्छा लड़का पहली है। बार आप दोनों ने काम किया था पहली बार काम किया था एक्चुअली yeah. में रिकमेंड मुझे हारून ने किया था okay. इस टेलीफिल्म में okay. क्योंकि हारू पोष में क्योंकि बहुत पहले जब हारून छोटा था yeah. तो जब मैं नया नया एडी था

अगर वो एक ड्रामा होता ना बड़ा तो बहुत कुछ था उसके भी काफी था। मुझे तो हम तीनों के पास और भी बहुत था।, था।, था खेलने के लिए true, true. फिल्में भी तो बननी है बननी है और इन दी एंडी फिल्म मेहनत क्यों कर रहे हैं सुबह उठते हैं राहत जाते हैं क्यों कर रहे हैं फिल्म के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके आए आई थिंक आपने बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई है मुझे तो आज आई एम आई एम एक्चुअली यू नो इम्प्रेस एंड इंस्पायर एंड आई होप कि बहुत से लोग जो सुन रहे हैं वो आज सीखा हो उन्होंने बहुत कुछ <laughs> उनको भी मोटिवेशन मिली हो और अगर कोई इस वक्त स्टेज पे है जहाँ वो घबरा रहे हो उनकी मुश्किल आ रही है तो आपकी कहानी सुनकर उनको थोड़ी उम्मीद आई हो कि निकल जाता जाएर ये टाइम भी निकल जाता है सब कुछ निकल जाता है बिलीफ पक्का तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू थैंक यू सो मच आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अक्सर देखता ही रहता था आप सब को सबको कि आप लोग अच्छे अच्छे लोग के इंटरव्यू से होते थे उनसे अच्छी अच्छी बातें कर होते थे और लोग उनसे कुछ ना कुछ लेसन लेते थे आई एम श्योर कि जो मैंने आज बातें की हैं आप लोगों के साथ जो कि ऑडियंस देखेंगी उससे कुछ ना कुछ उनको मिले तो तो मेरे लिए यूज़फुल है बच्चे कितने आपके मेरे माशाल्लाह से तीन बच्चे हैं, माशाला, माशाला। दो बेटा एक बेटी हाँ। लेकिन आ, सिर्फ बड़े बेटे को लोगों ने देखा हुआ है बाकी के ड्रामा के कुछ कहते हैं बड़े बेटे को नेगेटिव रोल बिल्कुल भी नहीं पसंद है जिस दिन सीरियल आता है उस दिन वो मुझसे नफरत कर रहा होता है नाराज हो जाता है बाबा आप विलन नहीं बनेंगे। He wants to see you as a hero. बस वो बोलता है कि बाबा आप हीरो बनेंगे अब hmm. आप, आप कुछ भी हो जाए आप हीरो बनेंगे बस मुझे नहीं पता okay. आप छोड़ दें क्यूट चलिए वी विश यू फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट सो मच